नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राणा दंपति के हनुमान चालीसा पठन पर बोले संजय राउत, कहा बंटी बबली के स्टंट की परवाह नहीं। अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेसमेंट में मिला शव, लखड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत का मामला, पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी। और विधायक चंद्रशेखर बावन को एक और राज्य सरकार पर हमला, कहा आम जनता को लूटने का प्रयास कर रही है राज्य सरकार। अब खबरें विस्तार से। राणा दंपति के हनुमान चालीसा पठन पर बोलते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने नागपुर में कहा कि शिवसेना को बंटी बबली के स्टंट की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा इस बार नवनीत राणा और रवि राणा सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये दोनों बीजेपी के सीक्रेट एक्टर हैं। हालांकि लोग ऐसी राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वे कितने भी नौटंकी कर ले इससे शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टंट करू द्या, या स्टंटने काही फरक पडत नाही, त्यांना मुंबईचं पाणी माहीत नाही अजून शिवसेनेचं काय आहे ते, पण करू द्या त्यांना स्टंट जे काय करायचे आहेत ते। लोक आमचे शिवसैनिक सक्षम आहेत, हनुमान चालीसा वाचणं, रामनवमी साजरी करणं हे श्रद्धेचे विषय आहे, नक्की धार्मिक आहे, श्रद्धेचे आहे, हे नौटंकीचे आणि स्टंटचे विषय नाही आहेत। पण अलीकडे भारतीय जनता पक्षाने हिंदुत्वाची नौटंकी आणि स्टंट करून ठेवलेली आहे, त्यातली ही सगळी पात्र आहेत, बरं का? ही जी पात्र आहेत ना, ही सगळी त्यातली आहेत, त्या स्टंटमधली पात्र आहेत सगळी। लोक ह्यांना गांभीर्याने घेत नाही, त्यांच्या हिंदुत्वाला, त्यांच्या या नाटकबाजीला। हनुमान चालीसा असेल, रामनवमी असेल, इतर सण उत्सव असतील, या देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आम्ही सगळे साजरे करतो यांच्यापेक्षा आधी। ह्यांचा जेव्हा हिंदुत्वाशी काही संबंध नव्हता तेव्हापासून आम्ही हे सगळं मुंबईमध्ये वेगळ्या वेगळ्या शोभायात्रा, गुढीपाडव्यापासून दसऱ्यापर्यंत, हां, राम जन्मोत्सव, हे काय आम्हाला शिकवत आहेत? यांना स्टंट करू द्या, काय हरकत नाही। सर हिंदी आप बताइए क्या है। सर राणा दंपति पहुंचे हैं वो मातोश्री के सामने। शहर में आपराधिक गतिविधियों के मामलों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। इसी श्रृंखला में शुक्रवार की सुबह लखड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इतवारी चौक स्थित नंगा पुतला के पास एक सब्जी विक्रेता को अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेसमेंट में एक शव सड़ी गली अवस्था में दिखाई देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस निरीक्षक पराग पोटे ने अधिक जानकारी साझा की। शहर में शव मिला जैसे आजकल ट्रेंड हो गया है। बीते कुछ दिनों पहले ही तहसील पुलिस थाना अंतर्गत एक कार की डिक्की में शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसकी गुत्थी अभी सुलझी ही थी कि ऐसा ही एक और मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह लखड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इतवारी चौक स्थित नंगा पुतला के पास एक सब्जी विक्रेता को अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेसमेंट में एक शव सड़ी गली अवस्था में दिखाई दिया, जिसके पश्चात सब्जी विक्रेता ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके चलते तुरंत ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शव की जाँच कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही अब इस मामले में आगे की जाँच जारी है। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक पराग पोटे के साथ ही प्रत्यक्षदर्शी ने भी अधिक जान कारी साझा की। नारायण निकारे पांडुरंग, कसं माहित पडला की बॉडी तिकडे पडली? आता आम्ही दुकानलावाले आलो सकाळी 8:30 वाजता, मग हे सगळे बाजारवाले पावाले मध्ये जा म्हणे, का पडला काय नाही, कुत्रा पडला का माझ्यात पडली आहे म्हणून तिथं पाहुणी आहे म्हणे। तर मग मी खालतं गेलो, मी तळगडच्या खालतं एकदम, तर त्या टाकेच्या बाजूमध्ये आहे ना, ते मला दुरून पारीवरून ते बॉडी दिसली मला। काय काय की त्यानंतर पोलिसांना कोणाला इतला केला? ते बाजूवाल्यांना कोणीनं तरी फोन लावला का इथं बॉडी बुडी पडली आहे, तर म्हणे कोणी म्हणे आभे पाडलेले, नाही तर कोणाला तरी सांगा म्हणे काय बॉडीच्या ओळख पटली आहे का, कोण आहे काय?
नाही ओळख नाही साहेब त्याच्या अंगावर आहे ना ते काळा आईल दिसला मला नवासी नावाचा पडला होता लंबा. इतवारी नेहरू पुतळ्याजवळ एक निलेश पटेल यांचं कॉम्प्लेक्स आहे ते निर्माणाधीन आहे. एक भाजीपालावाल्याला काहीतरी स्मेल आला म्हणून त्यांनी पोलीस स्टेशनला कळवलं. पोलीस स्टेशनचे अधिकारी पी एस आय बारांगे आणि पी एस आय मसराम हे आणि पी एस आय कोरडे असे तत्काळ घटनास्थळी गेल्यावर त्या प्रिमायसेसमध्ये अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीमध्ये बेसमेंटमध्ये एक डिकम्पोज डेड बॉडी पडलेली मिळून आली. प्राथमिकदृष्ट्या ती बघितली असता कोणती जखम वगैरे दिसून येत नाही तरी पण पुढील तपासाअंती काय नेमकं कशामुळे मृत्यू झाला हे कळून येईल. सर किती दिवसापूर्वी असेल ती काय सांगता येते का पाहिजे? ती 3 ते 5 दिवसाच्या पूर्वीची असू शकते. त्याच्याजवळ काही संशयित कपडे त्याचे स्वतःचे कपड्याचं गाठोडं आणि पैसे मिळाले त्यावरून तो भिकारी असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे. त्या दृष्टीने तपास सुरू आहे. डॉक्युमेंट्स वगैरे मिळून काही ओळख पटली आहे सर कुणी असावा कुठला असावा काही नाही. बता दें कि प्राथमिक जांच में शव के पास से एक कपड़ों की पोटली और पैसे बरामद हुए जिससे व्यक्ति भिखारी होने की प्राथमिक खबर मिली है. कैमरा पर्सन रोशन बोकर के साथ दिशा हटवार वीकेबी न्यूज नागपुर. राज्य में बिजली कमी की समस्या के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और राज्य में अघोषित लोड शेडिंग सत्र चल रहा है. पिछले 3 सप्ताह से बिजली गुल हो रही है जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में 6 घंटे तक बिजली गुल रही. हालांकि सरकार ने जमानत राशि को दोगुना कर उपभोक्ताओं की जेब काटने का राक्षसी फैसला लिया है. अब इस चीज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा. ऐसा इशारा विधायक चंद्रशेखर बावनकुए ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दिया. राज्य में पिछले करीब 3 सप्ताह से सत्ता का खेल चल रहा है. सरकारी दफ्तरों के हजारों करोड़ बकाया, आम ग्राहकों की बिजली बिल के नाम पर वसूली और बिजली कटौती, खराब प्रबंधन के चलते कोयले की किल्लत, गर्मी में बिजली गुल होने से राज्य का बिजली प्रबंधन पूरी तरह से डामाडोल हो गया है. इस पृष्ठभूमि में पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि इस बार मेंटेनेंस रिपेयर के नाम पर राज्य सरकार बिजली आपूर्ति बंद कर हजारों परिवारों की रोजी रोटी को कम करने की कोशिश कर रही है. महाविकास आघाड़ी सरकार नाकर्तेपणा महाराष्ट्र 2500 मेगावाट लोड शेडिंग गेला है. 1500 अघोषित लोड शेडिंग है. 4000 मेगावाट लोड शेडिंग है. नक्सलाइट एरिया सुधा लोड शेडिंग है. आदिवासी भागात लोड शेडिंग है. शेतकऱ्याला 2 तास वीज मिळता है. आणि केंद्र सरकारच्या नावानं खोटं बोलून हे सरकार जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राच्या जनतेला फसवत आहे. केंद्राने जानेवारी फरवरी मार्चमध्ये 22 दिवसाचा कोळसा उचला असं वारंवार सांगितलं. रेल्वे तयार झालं यांनी उचलला नाही. यांच्याकडे कॅश फ्लो नाही. 18000 कोटी रुपये वित्त विभागाने आणि राज्य सरकारच्या इतर विभागाने थांबवले आहे आणि म्हणून यांनी तो त्या ठिकाणी कोळसा उचलू शकले नाही, मेंटेनन्स करू शकले नाही. आज 7 पॉवर स्टेशन बंद पडलेले आहे. 2300 मेगावॅट कॅपॅसिटी बंद पडलेली आहे. ही जर कॅपॅसिटी सुरू झाली तर राज्य लोडशेडिंग मुक्त होऊ शकतं. या सरकारने जाणीवपूर्वक राज्य लोडशेडिंगमध्ये टाकून प्रायव्हेट वीज खरेदी करायची, त्यामध्ये भ्रष्टाचार करायचा याकरता हे षडयंत्र आहे. जानेवारीपासून यांनी 25% रेट वाढवले आहे. एप्रिल मे जूनची वीज बिलाची वाढ ही 25% जास्त रेटने येणार आहे. आणि या सरकारने या महाराष्ट्राला फसवला आहे, अंधारात नेला आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनी यापेक्षाही जास्त वीज पुरवली, कधी लोडशेडिंग झालं नाही. या महाराष्ट्रात लोडशेडिंग मुक्त झाला महाराष्ट्र होता. 85 लाख शेतकऱ्याला वीज दिली, कधी लोडशेडिंग झाली नाही. उन्हाळी धानाला वीज दिली, कधी लोडशेडिंग झाली नाही. पण या महाराष्ट्राला फसवण्याचं काम आणि भ्रष्टाचाराकरता प्रायव्हेट वीज खरेदी करण्याचं षडयंत्र लोडशेडिंगच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. राज्य सरकार की इन गलत नीतियों के चलते राज्य भर के भाजपा कार्यकर्ता ठाकरे सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे. ये कार्यकर्ता बिजली बोर्ड कार्यालय पर धरना देंगे और रखरखाव मरम्मत के नाम पर लगाए गए लोड शेडिंग को पूरी तरह से उलटने के लिए आंदोलन करेंगे. ऐसी चेतावनी भी इस दरमियान बावनकुले ने दी. खबरों के सिलसिले में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। नवनीत राणा को रोकने के उद्देश्य से शिव सैनिकों ने मुंबई के टोल प्लाजा पर हल्ला बोला। शिव सैनिकों ने नवनीत राणा को किसी भी हाल में मुंबई में प्रवेश नहीं करने देने का फैसला किया था, जिसके चलते मुलुंड स्थित एरोली टोल प्लाजा पर शिव सैनिक जमा हुए थे। हालांकि जैसे ही नवनीत राणा के मुंबई पहुंचने की खबर मिलते ही शिव सैनिकों ने उनके विरोध में जोरदार घोषणाबाजी की और वे मातोश्री पर पहुंच गए, जिससे अब मातोश्री पर तनावपूर्ण स्थिति निर्माण होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के शैक्षिक और सामाजिक आरक्षण को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार की दो तरफा नीति है। इस सरकार ने पिछड़े वर्गों के न्याय के अधिकार को कमजोर किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा समुदाय के आरक्षण को रद्द करने के बाद मराठा समुदाय को खुश करने के लिए पिछड़े वर्गों के प्रचार में 33% आरक्षण के 60,000 रिक्त पदों को अवैध रूप से खुली श्रेणी से भरा गया था। आरक्षण अधिकार कार्रवाई समिति की बैठक उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हॉल में हुई। बहरहाल अजित पवार ने अपना पल्ला इस मुद्दे से झाड़ते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री इस मामले में अपना फैसला लेंगे। अब आरक्षण अधिकार कार्रवाई समिति को इस सरकार पर भरोसा नहीं है। इसी के चलते आरक्षण अधिकार कार्रवाई समिति की ऑनलाइन बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री के आवास पर 1 मई 2022 को सड़क मोर्चा का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी पूर्व सांसद हरि राठौर ने दी। बढ़ती मंजिल आरक्षण बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिलेला है। केंद्र सरकारच्या DOPT ने बढ़ती मंजिल आरक्षण चालू करण्याचा आदेश दिला है, तरी सरकार हलत नहीं, राज्य सरकार करायला तयार नहीं। माननीय मुख्यमंत्री आम्हाला वेळ देत नहीं। उपमुख्यमंत्र्यांकडे जेव्हा बैठक घेतली त्यांनी आपले हात झटकले, आपले हात वरती केलेले आहेत। अशा परिस्थितीत मागासवर्गीयांनी करायचं का हा प्रश्न आहे। आणि म्हणून आम्ही येत्या 1 मे महाराष्ट्र दिनी, कामगार दिनी, माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या राहत्या घरावर आम्ही मोर्चा नेणार आहोत। आम्ही आता थकलो या सरकारला, आघाडी सरकारचं आणि आरक्षणाचं सुतकच जमत नाही। मराठा आरक्षण तुम्ही घालवलं, SC ST OBC भटक्यांचं आरक्षण आता घालवताय, आणि येत्या निवडणुकीमध्ये तुम्ही कसे सामोरे जाणार आहात, कसे आमच्या दाट्यासमोर तुम्ही मतं मागायला येत आहे, तेच आम्हाला बघायचं आहे।
एक साल पहले लोग कोरोना में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब कुछ लोग धार्मिक दरार पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने का कार्य किया जा रहा है, यह सही नहीं है। वे बुनियादी मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और संविधान अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, इस पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हुए मंत्री यशोमती ठाकुर ने कारगर में एक कार्यक्रम में मनसे का नाम लिए बगैर ऐसी टिप्पणी की। वह इस दौरान उन्होंने विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी जोरदार हल्ला बोला। तेच मी म्हणते आहे की तुम्ही एक वर्ष आधीचा काळ आठवा, आपण कशासाठी त्या ठिकाणी झटत होतो, ऑक्सिजनचे सिलेंडर्स आपल्यापाशी नव्हते, बेड्स नव्हते, हॉस्पिटल्स नव्हते, आणि आज हे भोंगे हिंदू मुस्लिम हे कुठून काढलेलं आहे? ही काय मानवता थोडी ना आहे? आम्ही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि गाडगे महाराजांच्या आवारातले तिथे लहानाचे मोठे झालेलो आहोत, आम्हाला कोणालाच हे सगळं आवडत नाही। म्हणजे आणि हिंदू धर्माचा एवढा आरडाओरडा, हे हिंदू आणि आम्ही काय आसमानमधनं टपकलेलो आहे का? काही पण आपलं बोलायचं, काही करायचं, अशांतता निर्माण करायची, राहिले जे मूळ मुद्दे आहेत, मूळ प्रश्न जे आहेत ते बाजूला सारायचे। महागाई केवढी वाढलेली आहे, गॅस केवढा प्रचंड आहे, केवढं वेगळं, बेरोजगारी केवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे, ते राहिलं आणि हिंदू मुस्लिम काय करतायत? देशाचं वातावरण खराब करण्याचा अधिकार कोणाला नाही आहे, आणि कोणी कोणचा धर्म पाळायचा हे संविधानाने अधिकार दिलेले आहे। कोणचा समाज आणि कोणचा धर्म पाळायचा संविधानाने दिलेला प्रत्येकाचा आपला आपला अधिकार आहे, त्या संविधानाचा मान सन्मान राहिला पाहिजे, ते संविधानाला तुडवू नका, एवढी विनंती आहे। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने लाउडस्पीकर मोर्चा निकाला। इस अवसर पर केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल एवं गैस के मूल्य वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष जगदीश सिंह के नेतृत्व में लाउडस्पीकर मोर्चा निकाला। पार्टी ने आरोप लगाया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोलियम की दर लगातार बढ़ती जा रही है, इससे परिवहन महंगा होने से महंगाई बढ़ रही है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ाया है सरकार ने। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर 58 रुपए में जो आज पेट्रोल की प्राइस है उसके ऊपर 100% से भी ज़्यादा टैक्स लेकर 120 रुपए, 121 रुपए भी आज पेट्रोल का दाम हो गया। डीजल के भाव 102 रुपए हो गए, गैस तो 1000 के ऊपर चला गया। लोगों को जीना पूरा हराम कर दिया सरकार ने, और सरकार ये चाहती है कि कोई महंगाई के ऊपर ना बोले, इसलिए कहीं बुलडोजर चला रहे या कहीं भोंगे का राजकारण कर रहे। इसलिए आज हम लोगों ने आम आदमी पार्टी की ओर से पूरे विदर्भ के अंदर पेट्रोल डीजल गैस के महंगाई के खिलाफ भोंगा आंदोलन किया है, और इसीलिए आज हम सब लोग इधर साथ में हैं। आंदोलन में अमृत सावरकर, अशोक मिश्रा, कविता सिंगल, शंकर इंगोले, भूषण ढाकुलकर, डॉक्टर शहीद अली जाफरी, राकेश उराड़ी, रोशन डोंगरे आदि शामिल हुए। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज नागपुर। वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।